चलिए अब हम इस टॉपिक का फोर्थ सीवी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड। अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक ग्राफ देखते हैं। हम जानते हैं अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो फ्रोजन स्टेट में भी उसका कुछ वेपर प्रेशर होता है, जिसे हम इस ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हैं। हमें पता है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका वेपर प्रेशर घटता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज होने लगता है या जमने लगता है। इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहते हैं, जिसे हमने यहां पर TF नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब जब हम सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो नया कर्व ऑफ सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो कि यहां पे पर्पल लाइन से दिखाया गया है। अब हम नोटिस करें सॉल्यूशन का जो कर्व है वो फ्रोजन सॉल्वेंट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। दैट मींस दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इस पॉइंट को हम TF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं प्योर लिक्विड सॉल्वेंट TF नॉट पर फ्रीज करता है एंड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड हो चुका है वो TF टेम्परेचर पर फ्रीज करता है। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं TF की वैल्यू TF नॉट से कम है। जो यह चेंज इन टेम्परेचर हुआ है ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी लिख सकते हैं डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मींस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। KF को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करें तो हमें डेल्टा TF का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से मिलेगा। हम जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। KF की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, विच इज सिमिलर टू KB की यूनिट। KF को इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। यहां पे डेल्टा H फ्यूजन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। KF ऑफ वाटर एट 273 केल्विन होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स के बराबर।